आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सबसे पहले सभी आवाम को ईद उल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। साउथ जोन पुलिस की तरफ से और DCP साउथ जोन की तरफ से आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारक। ये आने वाले बकरीद का जो हमारा फेस्टिवल है, इसको हम सभी मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट और जनता साथ में मनाएंगे। और इसमें बस आप सभी से यही गुजारिश है कि जो भी पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है और जो भी जानवर की कुर्बानी अलाउ की गई है, आप उसी तरीके से जानवरों की कुर्बानी दें। और एक बार कुर्बानी देने के बाद जो भी जानवर का वेस्ट रहता है, जो भी जानवरों के एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है, उसको अच्छी तरीके से GHMC द्वारा दिए गए या फिर अपने पास रहने वाले पॉलीथीन बैग्स में सही तरीके से डाल के उसको डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा पुलिस की तरफ से बकरीद के दिन होने वाली जो प्रेयर्स हैं, उसके लिए पूरे बंदोबस्त अरेंजमेंट किए गए हैं। हमारी तरफ से ये पूरा आपको आश्वासन है कि हमारे इंतजाम पूरे हैं और पूरी तरीके से पीसफुल तरीके से अमन और चैन के साथ हम इस त्यौहार को आपके साथ मनाना चाहते हैं। तो इस बकरीद को आइए हम सब मिलकर मनाएं और साफ सुथरे तरीके से मनाएं। थैंक यू। कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल रहीम उर्फ अजीम भाई आज मीडिया से बात करते हुए बोले कि तमाम अल अमीन इस्लाम को कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी अल्लापुर डिवीज़न के तमाम लोगों को ईद की फुरखलुस मुबारकबाद देते हैं और खसूसी खास पाक पाबंदी साफ सफाई पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए और GHMC के जानिब से जो भी प्लास्टिक कवर्स दे रहे हैं उसमें अपना कचरा डाल के फेंकिए और कुर्बानी के टाइम किसी आवाम को तकलीफ मत दीजिए। और इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और कुकटपल्ली इंचार्ज बंडी रमेश साहब के जानिब से मैं कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के और तेलंगाना के लोगों को फुरखलुस मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर बकरीद सुकून और आराम से मनाइए, कोई भी टेंशन और परेशानी में ना जाइए। और इस मौके पर HD पॉइंट्स के ओनर मोहम्मद अब्दुल समद, बाबू जानी, मोहम्मद आसिम भी मौजूद थे। अब्दुल रहीम अजीम कुकटपल्ली कांग्रेस पार्टी चेयरमैन मैनेटरी डिपार्टमेंट, एक्स चेयरमैन मैनेटरी डिपार्टमेंट, ये इत्तला देता हूँ। मुबारकबाद तेलंगाना आवाम के लिए, आलम इस्लाम के लिए तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और खुसूसन कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, हिंदू भाइयों के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पे जितने भी कुर्बानी का मामला है, कुर्बानी करने का मकसद बहुत एहतियात से और जज्बे से कुर्बानी करना चाहिए और पड़ोस में अड़ोस में किसी को तकलीफ ना देते हुए अच्छी तरीके से कुर्बानी करना और अपने खुशियों में सबको शामिल करना और अल्लाह ताला से दुआ करना कि ये कुर्बानी को कबूल करे। आमीन। इसका बहुत ज़्यादा खून का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना मेरी गुजारिश है सबसे कि इसका ख़ास ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से ईद बकरीद की ईद मनाइए। गवर्नमेंट रूल और जो भी हमारे को इंस्ट्रक्शन देती है वो हिसाब से अपन फॉलो करना, गवर्नमेंट के हिसाब से। और लोग कवर ला के देते हैं, उसमें कवरों में बन के गवर्नमेंट की गाड़ी भी फिरती, फिर वो हिसाब से जो है गवर्नमेंट की गाड़ियों में उसके जो तमाम जो गलाजत निकलती है उसमें डाल देना और अच्छे तरीके से साफ सफाई का ख्याल रखिए और सब मिलके हंसी खुशी से ईद मनाइए। और मेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से, रेवंत रेड्डी साहब की जानिब से और यहाँ के बंडी रमेश अन्ना की जानिब से मैं आपको पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह कल ईद के दिन 4 बजे मेरे उम्रे की रवानगी है, उम्रे के लिए सऊदी अरब के लिए रवानगी है और 30 तारीख के दिन वापसी है। आप तमाम लोगों से दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। ये उम्रा
अल्लाह कबूल करे। अगर जो कुछ भी अगर जो किसी भाई को मेरे तकलीफ़ पहुंची है तो अदबन मैं माफ़ी चाहता हूं।